गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास, आई एम शशि चौहान, यूअर संस्कृत टीचर। बच्चे, हमने लाइव क्लास में 19 चैप्टर रीड किया था, वार्तालाप अर्थात बातचीत। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 70। उचितम विकल्पे टिक चिन्हम प्रदर्शित है, यानी कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अहम डैश खदामी, मैं खाता हूँ पर क्या, चैप्टर के अकॉर्डिंग लेना है हमें। सेबम, साकम या कदली फलम, तो राइट आंसर है कदली फलम अर्थात केला, मैं केला खाता हूँ। यहाँ पर बच्चे आप टिक भी लगाओगे और यहाँ पर फिल भी करोगे। नेक्स्ट है अहम डैश पठामी, मैं पढ़ता हूँ संस्कृतम आंग्ल भाषायाम पुस्तकम, तो राइट आंसर है इसका पुस्तकम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अयम डैश उपाध्याय अस्ति, यह उपाधि है, यहाँ पर क्या आएगा विशिष्ट है, विशेष या श्रेष्ठ कह सकते हैं। अयम विशिष्ट उपाध्याय अस्ति। अगला है टू क्वेश्चन, रिक्तस्थानानि पूरयत। अहम डैश गच्छामि, मैं जाता हूँ कहाँ, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र का अर्थ होता है खेल का मैदान, मैं खेल के मैदान में जाता हूँ। वो पुत्र है डैश कुत्र डैश क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, भो पुत्र का हे पुत्र, और यहाँ पर आया है कुत्र कहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा यूयम यानी कि तुम सब कहाँ जाते हो, गच्छत आ जाएगा। यूयम के साथ आता है गच्छत, था आएगा। अहम डैश खेल क्रीड़ामी, मैं खेल खेलता हूँ, तो अपि मैं भी खेल खेलता हूँ। नेक्स्ट है भो छात्र है, हे छात्र डैश किम खादते, तो हे छात्रों यहाँ पर आ जाएगा युवाम, था जिसपे विसर्ग आया हुआ है, इसके साथ आता है युवाम। तुम दोनों क्या खाते हो। डैश अपि डैश खदामे, अपि का भी यहाँ जाएगा, मैं के साथ आता है वयम, हम सब भी यहाँ आएगा फलम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोलिखित नामा शब्दानामा संस्कृत लिख, इन शब्दों को संस्कृत में लिखना है। विद्यालय का विद्यालयम, तुम का तुम, यहाँ का अत्र, मैं का अहम, बालक बालका, हम सब का वयम, विशेष का विशिष्ट, कहाँ का कुत्र। यहाँ पर बच्चे ये दिए गए हैं, का विद्यालयम है, खा का बालका, गा का त्वम, घा का वयम, अत्र विशिष्ट, अहम कुत्र। ये बच्चे आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। 1, 2 और 3 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं बच्चे पेज नंबर 71 पर 4 क्वेश्चन, अधोलिखित नामा वाक्यनामा संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरते, यानी कि इन वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। अब जैसे बच्चे मैंने बताया हुआ है कि एक एक वर्ड का आप अनुवाद करोगे, जैसे तुम का तुम, एक का एकम, पत्र का पत्रम, लिखती हो लिखसी, क्योंकि तुम के साथ मैं के साथ सी आता है, या सी के साथ तुम आता है। नेक्स्ट है हे वीर तुम महान हो, तो ही वीर का होगा भो सूर है,
तुम महान हो, तुम का त्वम, महान हो का महिषी। अब जैसे मैंने बताया त्वम के साथ सी महिषी। नेक्स्ट है तुम्हारा नाम अमर होगा, तुम्हारा का तव, नाम का नाम, अमर का अमरम, होगा का भविष्यति। हे राधा तुम गाना गाती हो, हे राधा का आ जाएगा भो राधा, तुम का त्वम, गाना का गीतम, गाती हो का गायसी, सी के साथ त्वम या त्वम के साथ सी आता है, भो राधा त्वम गीतम गायसी। नेक्स्ट है हे पुत्र तुम कहाँ जाते हो, अब इस पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है बच्चे ध्यान देना, मैंने आपको बताया हुआ है जब उस पर जब किसी वाक्य पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ होता है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसका होएगा भो पुत्र तुम का त्वम, कहाँ का पुत्र, जाते हो का गच्छसि, और यहाँ भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि। इसके बाद है नेक्स्ट 5 अघोलिखितनामा वाक्यनामा हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुतः। अब इन वाक्यों को बच्चों हिंदी में अनुवाद करना है। भो बालक का हे बालक, त्वम का तुम, कुत्र का कहाँ, निर्ससि का मतलब रहते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अगला है भो बाला युयम किम पठत, भो बाला का हे बालको, युयम का तुम सब, किम का क्या, पठत का पढ़ते हो, हे बालको तुम सब क्या पढ़ते हो। भो सुशील त्वम अध किम ना पठसी, भो सुशील आ जाएगा त्वम का तुम, अध का आज, किम का क्या, ना का नहीं, पठसी का पढ़ते हो, हे सुशील तुम आज क्या नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सैनिका भो सैनिका यूयम किम जनम रक्षत, तो हे सैनिकों यूयम का तुम सब, किम का क्या, जन्म का लोगों की, रक्षत का रक्षा करते हो, हे सैनिकों तुम सब क्या लोगों की रक्षा करते हो। भो गौरव हे गौरव, युवाम का तुम दो, कुत्र का कहाँ, गच्छता का जाते हो, हे गौरव तुम दो कहाँ जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब बच्चे नीचे एक सारणी दी गई है, इस सारणी को आपको पूरा करना है, एक वचन है यहाँ पर, द्विवचन है और बहुवचन है। आपको पता है जब मिर्गा दिया हुए हैं यानी कि हे हिरण, तो बहुत सारे हिरण हैं, मिर्गा, बहु का मतलब होता है बहुत, मिर्गा बहुत सारे हिरण, तो यहाँ द्विवचन में आ जाएगा हे मिर्गो, और इसमें आ जाएगा हे मिर्ग। इसी तरह से बच्चे कंप्लीट करना है आपको, जैसे कि इसमें एक दे दिया, इसमें हे नरों का दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा हे नरा, हे नर। इसी तरह हे महिला का दिया हुआ है तो यहाँ भी हे महिले और हे महिला। हे कोकिले द्विवचन है तो यहाँ आ जाएगा हे कोकिला यानी बहुत सारी कोयल, यहाँ पर आएगा हे कोकिले। इसी तरह नेक्स्ट है हे पुष्पम, यहाँ पर पुष्पानी यानी कि बहुत सारे फूल, तो यहाँ आ जाएगा हे पुष्पम हे पुष्पे। हे नेत्रे हैं यहाँ पर आएगा हे नेत्र, यहाँ पर हे नेत्रानी। तो बच्चे ये आज का कार्य आपको बुक में ही करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं कंप्लीट। थैंक यू।